भारतीय राजनीति के चमकते सितारे रहे अटल बिहारी वाजपेयी के निधन का शोक पूरा देश मना रहा है। बॉलीवुड भी शोक में शरीक है। फिल्मी सितारे अटल जी के साथ गुजारे हुए पलों को याद कर भावुक हो रहे हैं। शाहरुख खान ने भी अटल जी के साथ अपने सालों पुराने रिश्ते को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। वहीं वेटरन फिल्म मेकर सुभाष घई ने भी परदेश की रिलीज के दौरान अटल जी के साथ गुजारे वक्त को याद किया। आपको बता दें कि शाहरुख खान ने एक नोट लिखकर सियासत की इस स्टेटमेंट को याद किया है। इस नोट में शाहरुख खान कहते हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिता मुझे दिल्ली में वाजपेयी के भाषण सुनवाए के लिए ले जाते थे। कई साल बाद मुझे उनसे मिलने का मौका मिला और उनके साथ कविताओं, फिल्म, राजनीति और घुटनों की बीमारी पर बात करते हुए लंबा वक्त बिताया। उनकी एक कविता के लिए पर्दे पर अभिनय करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। उनके घर पर प्यार से बाप जी बुलाया जाता था। आज देश ने एक पितृतुल्य शख्सियत और महान नेता खो दिया है। निजी तौर पर मैंने अपने बचपन का एक हिस्सा, बड़े होने की यादें, मुस्कुराना और कविताएं खो दी है। शुरुआती सालों में खुद पर उनका प्रभाव पड़ने में मैं खुशकिस्मत हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। परिवार और दोस्तों को मेरी दिली संवेदना है। मुस्कुराती हुई छवि हमेशा याद रहेगी बाप जी। वही सुभाष घई भी अटल जी के साथ पुराने दिनों को याद करते हुए ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। सुभाष घई ने अटल जी की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने परदेश फिल्म के संगीत रेस समारोह में शिरकत की थी। घई ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक ऐसा नेता बताया है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। तेज न्यूज़।